इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है एक मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम करते हैं। उसमें सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही प्ले करता है। इस प्रोसेस में मेन चीज़ आपकी होती है कि जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं कंपोनेंट बनाया गया है उसको बनाते वक्त अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं, चाहे वो कास्टिंग हो, वेल्डिंग हो, फोर्जिंग हो या और भी अदर मशीनिंग प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, तो उन प्रोसेस को करने की वजह से कुछ इंटरनल क्रैक, इंटरनल क्रैक्स या इंटरनल स्ट्रेस आ जाते हैं, तो उन सब को रिमूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उन पीसीज को विदाउट एनी ट्रीटेड यूज़ करने लगे तो उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, उस स्ट्रेंथ की वजह से कम स्ट्रेंथ की वजह से मेटल हो जल्दी फेल हो सकता है। हीट ट्रीटमेंट हमारा क्या है वो आप देख भी पा रहे होंगे। हीट ट्रीटमेंट ए बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अ मेटल और एलॉय इन अ सॉलिड स्टेट टू ऑब्टेन डिजायरेबल कंडीशन that relieve stress or properties that is better machinability, productivity, homogeneous structure, etc. तो इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस समझ में भी आया होगा, एक आप इसका टाइप पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमने वहाँ पर ऊपर कही है कि इट इज़ एन ऑपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन ये जो आपने लाइन लिखी है। ये हीट ट्रीटमेंट आपके अलग अलग टाइप्स होता है। बेसिकली चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, हीटिंग एंड कूलिंग। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जब आप कर रहे हैं तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में दो चीज़ मेन होती है, एक आपका हीटिंग, एक कूलिंग और दूसरा होल्डिंग टाइम। ये इन जो आप टाइप आगे पढ़ेंगे उनमें सभी में ये चीज़ आपको कॉमन मिलने वाली है। पर्पस क्या क्या है, तो मेनली पर्पस इसमें वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई गई है, जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हुए हैं किसी भी प्रोसेस हो, कॉल वर्किंग हो, वेल्डिंग हो, कास्टिंग हो, फोर्जिंग हो, उनकी वजह से जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हुआ, इंटरनल स्ट्रेस एक्सिस में अनवांटेड जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हुआ उसको हम अगर ऐसे ही छोड़ देंगे मेटेरियल में तो वो हमारे लिए अनयूजफुल रहेगा, स्ट्रेंथ कम करेगा। फ्यूचर जब आप वर्क करोगे तो कम वैल्यू ऑफ फोर्स पर ही फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो अनवांटेड इंटरनल स्ट्रेस रिमूव करना बहुत जरूरी होता है किसी भी इसको किसी भी कंपोनेंट को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए। सेकेंड, हार्डन एंड स्ट्रेंथन मेटल, यानी कि जो मेटल है उसके अकॉर्डिंग टू मेट, ये सारे जो पर्पज हैं अलग अलग पीस पर, अलग अलग कंपोनेंट पर, अलग अलग तरह से आप यूज कर सकते हैं। कहीं पर आपको कोई चीज स्ट्रॉन्ग करनी होगी, कहीं पर आपको कोई चीज होगी, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अगर हमको हार्ड या स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है तो वो आप कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है मशीनेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं, ग्रेन साइज आप फाइन कर सकते हैं कंपोनेंट का, सॉफ्टन मेटल फॉर फर्दर वर्किंग, बोल्ड वर्किंग स्पेशली अगर आप वायर ड्रॉइंग या बोल्ड रोलिंग करना चाहते हैं और वायर ड्रॉइंग भी कोल्ड वायर ड्रॉइंग आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो मेटल है सॉफ्ट होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सॉफ्ट को हार्ड मेटल पर वर्क करेंगे तो वहाँ पर क्रैक आने के चांसेस रहते हैं, तो वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रिटलनेस वहाँ पर रहेगी। सॉफ्टन मेटेरियल आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड टफनेस, इंक्रीज हीट वियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से जब आप इंटरनल क्रैक निकाल दे रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेस निकाल दे रहे हैं, तो जो आपका मेटेरियल है वहाँ पर और ग्रेन साइज आपको फाइन हो जा रहा है तो कोरोजन वियर हीट रेजिस्टिव आपका मेटेरियल बन जाता है, प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। आप हीट ट्रीटमेंट में पढ़ चुके हैं, डायग्राम में पढ़ चुके हैं, उस इंटरनल मोलिकुलर चेंज की वजह से प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो कोरोसिव रेजिस्टिव भी वहाँ पर आपका मेटेरियल बनता है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी इम्प्रूव होती है,
या आपने देखा भी था एक ट्रीटमेंट प्रोसेस को, ट्रिपल टी डायग्राम में हमने इस बारे में बात करी थी, होमोजेनियस स्ट्रक्चर ही आपकी बनती है। तो ये सब प्रोसेस ही ट्रीटमेंट प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वहाँ पर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी पीस हमने बनाया है, जो भी कंपोनेंट बनाया है, उसमें जो अनवांटेड डिफेक्ट्स हैं वो हम रिमूव कर सकें और जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। केवल हम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को रिमूव नहीं करते हैं, डिफेक्ट्स को रिमूव नहीं करते हैं, अगर किसी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो वो भी हम इस ही ट्रीटमेंट प्रोसेस की मदद से कर सकते हैं। अब बात आती है ही ट्रीटमेंट के टाइप्स की। ही ट्रीटमेंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनीलिंग प्रोसेस। चार बेसिकली आपके यहाँ पर प्रोसेस के टाइप आने वाले हैं। इन चारों टाइप ऑफ प्रोसेस में मेन चीज वही है जो ऊपर आपको बताई गई थी कि आप हीटिंग और कूलिंग का मेन आपका कंसेप्ट रहता है, हीटिंग एंड कूलिंग का। एनीलिंग की बात करें तो एनीलिंग प्रोसेस में आप क्रिटिकल टेम्परेचर से अबाउट टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, वहाँ पर एक घंटे नियर अबाउट एक घंटे के लिए होल्ड रखते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी आपका 723 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम, ये आपका 723 डिग्री सेल्सियस आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इससे अबाउट आपने गर्म करा है तो वो आपका जाता है एनीलिंग, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है फुल एनीलिंग रेंज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका जा रहा है जो एनीलिंग प्रोसेस है, आप इससे चलते हैं। तो एनीलिंग प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं एक घंटे के लिए, नियर अबाउट एक घंटे के लिए, और उसके बाद इसको फर्नेस में ही आपने छोड़, ठीक है। फर्नेस आपकी होती है, फर्नेस में आप इसको गर्म करते हैं, तो जिस फर्नेस में आपने वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करा था उसी टेम्परेचर पर वहीं पर पहले आपने एक घंटे तक रोका, उसके बाद आपने फर्नेस का टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद कर दिया, यानी फर्नेस ऑफ कर दिया और उस पीस को एलो करा, उस पीस को छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे ठंडा। अब किस तरह से ठंडा होगा कि स्लो रेट जो होगा, कूलिंग रेट जो होगा वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस पर और होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना। जब कूलिंग होगी तो फेराइट से आपका फेराइट में चेंज होना शुरू हो जाता है, वो बात करना हाइपो हीटर पर। और अगर आप हाइपो हीटर की बात कर रहे हैं तो फेराइट आपका एयरलाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप हाइपर यूटॉक्टाइट की बात कर रहे हैं तो एयरलाइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बेसिकली यूज क्या है, आपकी जो स्टील है वो सॉफ्ट होती है, डक्टिलिटी इंप्रूव होती है, मशीनेबिलिटी इंप्रूव होती है, जो ग्रेन साइज है वो रिफाइन होता है, इंटरनल स्ट्रेस अगर है तो वो रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपके कुछ टाइप ऑफ एनीलिंग है, ठीक है। पहला आपका है स्ट्रेस रिलीविंग। स्ट्रेस रिलीविंग आपका सिंपली एक प्रोसेस है जो कि कास्टिंग, पिंचिंग, कोल्ड वर्किंग, वेल्डिंग के बाद आप जनरली करते हैं, और इस प्रोसेस को फेरस नॉन फेरस दोनों ही मेटल पर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस रिलीविंग जब आप करते हैं तो बेसिकली जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो आपका जो टेम्परेचर होता है वो कास्टिंग 0.3 MPa, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है 0.3 से 0.4 मेल्टिंग पॉइंट तक आपका उस पर्टिकुलर मेटेरियल का चाहिए होता है। अगर आपको केवल स्ट्रेस रिलीज करना है तब आप इस प्रोसेस को करेंगे। सेकेंड आपका है प्रोसेस एनीलिंग। प्रोसेस एनीलिंग में आपकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे आप थोड़ा कम आप टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और लंबे समय के लिए उसको छोड़ देते हैं उसी टेम्परेचर पर बने रहने के लिए। इसके बाद आप धीरे धीरे ठंडा करते हैं फर्नेस के अंदर, सेम फर्नेस के अंदर रहना ही है,
धीरे धीरे आप ठंडा करेंगे जिससे आपका पेयरलाइट बनना शुरू हो जाता है। इस पेयरलाइट को इस प्रोसेस को आप लो कार्बन स्टील पर करते हैं या जो कोल्ड रोलिंग आपके प्रोडक्ट होते हैं उन पर आप यूज करते हैं, जैसे जो कि आपके यूज करने होते हैं वायर ड्राइंग या डीप ड्राइंग ऑपरेशन। यहाँ पर आपको ग्राफ से दिखाया गया है, ये वाला आप ग्राफ देखेंगे पहला, यहाँ पर आपका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, और उससे वहीं पर कुछ देर छोड़ने के बाद फिर उसको फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्फेरोडाइज एनलिंग। इसी डायग्राम में आपको ये दोनों डायग्राम दोनों चीजें आपको दिखी हुई है। स्फेरोडाइज में आपका जो प्रोसेस एनलिंग है उससे अंतर ये है कि कुछ टेम्परेचर ज्यादातर गर्म करा जाता है, यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा होगा लगभग 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप इसको गर्म करते हैं, और प्रोसेस एनिलिंग के कंपैरेटिवली ज़्यादा देर तक इसको छोड़ा जाता है, होल्ड करा जाता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसके बाद फिर सेम फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है। ये आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, 680 डिग्री सेल्सियस और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में आप गर्म करते हैं, और कुछ देर उसको उसी टेम्परेचर पर रखने के बाद लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा किया जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा का मतलब है ये जो लोअर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है ये लगभग आपको क्या 200 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फुल एनिलिंग। फुल एनिलिंग मीन्स आपका सिंपल जो एनिलिंग प्रोसेस है, आपने प्रोसेस किया क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करा, उसी टेम्परेचर पर उसको एक सर्टेन टाइम तक के लिए छोड़ दिया, उसके बाद धीरे धीरे फर्नेस में ठंडा करा और उसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दिया। एनिलिंग प्रोसेस से सबसे मेन आपका, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है तो कंपेरेटिवली जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो फाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्मलाइजेशन। इस ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो आपका है नीचे वाला ये आपका नॉर्मलाइजिंग है और ऊपर वाला आपका है। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा वहां पर हमने फर्नेस कूलिंग करी थी, इसमें हम एयर कूलिंग करते हैं, ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर ऊपर लगभग कितना 40 डिग्री टू 50 डिग्री अबाउट हम इसको गर्म करेंगे, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड करेंगे। सेम ये चीज़ आपको याद रखना है, पहले हम गर्म करेंगे, चारों प्रोसेस में गर्म कर रहे हैं, कुछ एक सर्टेन टाइम के लिए उसको होल्ड करेंगे, उस पर्टिकुलर होल्ड पर वो टाइम वो टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा जिस टेम्परेचर पर हमने गर्म करा, उसके बाद फिर अलग अलग प्रोसेस हैं उनसे हम ठंडा करेंगे। एनिलिंग प्रोसेस में हमने फर्नेस में छोड़ा था, फर्नेस में धीरे धीरे हमको ठंडा होने दिया था, नॉर्मलाइजिंग में हम उस पीस को फर्नेस से बाहर निकाल लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम तक पहले हमने छोड़ा उसके बाद हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद हम सराउंडिंग एयर की मदद से उसको क्या करेंगे धीरे धीरे ठंडा करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस से मशीनेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। ये जो किया जाता है मीडियम कार्बन स्टील पर बेसिकली किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है हार्डनिंग क्विंचिंग। हार्डनिंग प्रोसेस आप नाम से भी समझ सकते हो, इसमें आप ये चीज अगर हटा दें ENING हटा दें तो केवल में हार्ड, तो ये प्रोसेस हमारा होता है जो मेटेरियल को हार्ड करने के लिए, सॉफ्ट मेटेरियल हो कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटेरियल हो और उसको हमें हार्ड करना हो तो उसको हम यूज करते हैं हार्डनिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। हार्डनिंग प्रोसेस से बेसिकली हाई स्पीड स्टील को आप यूज करते हैं, जो आपके स्टील टूल बनाए जाते हैं, कटिंग टूल बनाए जाते हैं, उनमें जो हार्डनेस होती है जिनकी मदद से वो किसी दूसरे मेटल को काट पाते हैं, वो इसी वजह से उन पीसीज को हार्डनिंग प्रोसेस से तैयार किया जाता है, ठीक है। हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होगा, आप सेम एक पर्टिकुलर रेंज तक टेम्परेचर तक क्रिटिकल टेम्परेचर से अबाउट टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम तक
उस चीज को उस टेम्परेचर पे मेंटेन रखेंगे, छोड़ेंगे और उसके बाद क्वेंच कर देंगे, यानी कि क्वेंच क्या होगा, डिप कर, डिप कहाँ पे करेंगे, वाटर ऑयल और बरीन सॉल्यूशन। ये जो आप वाटर ऑयल या बरीन सॉल्यूशन ले रहे हो ये सीधा सीधा डिपेंड करता है कि आपका मेटेरियल कौन सा है, मेटेरियल के प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा कि आप किस चीज में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिप करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वाटर रेजिस्टिव ना हो, यानी कि हमारा आप आयरन पीस ले रहे हैं और उसको सीधा वाटर में डिप कर दे रहे हैं और उससे कोरोजन आपका आ जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी डिपेंड करेंगी कि आपका मेटेरियल कौन सा है। जो सुटेबल आपका मीडियम होगा वो आप यूज कर लेंगे क्वेंचिंग करने के लिए। क्वेंचिंग करने से, क्योंकि एकदम से रैपिडली आपकी कूलिंग होती है, सीधा एकदम का टेम्परेचर डाउन जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस से आप 200 डिग्री सेल्सियस ले आए या किसी भी टेम्परेचर पे आप ले आए, तो वहां पे क्या हुआ, आर्सेनाइट आपका मार्टिन साइट में चेंज हो जाता है। और मार्टिन साइट आपका सबसे मेन आपका माइक्रो स्ट्रक्चर का टाइप है जो कि हार्डनेस इंक्रीज करता है। ठीक, अब यहाँ पर तीन मेन आपके कंपोनेंट हैं जो सीधे सीधे हार्डनेस पर कर डालते हैं, जो आपका कार्बन कंटेंट है, जो आपका क्वेंचिंग रेट है और जो आपका वर्क साइज है। कार्बन कंटेंट किसी मेटेरियल में जितना होगा आप जानते हैं, आयरन कार्बन टेलीरियम डायग्राम में भी पढ़ चुके हैं, जितना कार्बन ज्यादा होता चलेगा उतना ही मेटेरियल हमारा हार्ड होता चलेगा और जितना कार्बन कम होता चलेगा उतना ही मेटेरियल हमारा सॉफ्ट होता चलेगा। लेकिन क्वेंचिंग रेट पर भी सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। क्वेंचिंग रेट आप कितना तेजी से ठंडा करो, जितनी तेजी से आप ठंडा करोगे उतना ही जल्दी आपका श्रिंक होगा, और जितनी जल्दी जितना ज्यादा श्रिंक होगा उतना ही वहां पर उस मेटेरियल में हार्डनेस आती है। वर्क साइज पर सीधा सीधा आपका डिपेंड करता है, वर्क साइज आपका बड़ा होगा, ज्यादा बड़े साइज में आपका है तो वहाँ पे आपकी जो हार्डनेस का जो रेट रहेगा वो कम होगा, आपको और ज्यादा तेजी से उसको ठंडा करना पड़ेगा, और पीस आपका छोटा होगा तो वहाँ पर वो जल्दी ठंडा होगा, इसलिए हार्डनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पर जो क्वेंचिंग रेट है, क्वेंचिंग रेट आपका सीधा सीधा डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक लेकर जा रहे हैं, और उसके लिए जो मीडियम आपने यूज करा है वो मीडियम कौन सा यूज करा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर आपने क्या यूज किया, जो टेम्परेचर आप, ऐसा नहीं होता है क्वेंचिंग आप करने के लिए आप चिल्ड वाटर आप यूज कर रहे हैं, 90 डिग्री सेल्सियस आप यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। क्वेंचिंग आप किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर का वाटर या सोल्यूशन जो भी ले रहे हो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर रखा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 800 डिग्री सेल्सियस से सीधे 0 डिग्री सेल्सियस लेकर आ रहे हैं, आप 800 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस लेकर आते हो, 300 डिग्री सेल्सियस लेकर आते हो, 150 डिग्री सेल्सियस लेकर आते हो, तो वो आप किस टेम्परेचर का आपका पीस गर्म था और किस टेम्परेचर का आपने कूलिंग वेरिएबल यूज किया उस पर सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि आपका हार्डनिंग हो कैसे होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस आपका इसेंशियल ऑपरेशन है, एक आप कह सकते हो ये हार्डनिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। हार्डनिंग प्रोसेस करने में, अभी आपने पढ़ा कि मार्टेनसाइट जनरेट होता है, मार्टेनसाइट आपका बहुत हार्ड होता है, और जब आप किसी चीज को एकदम ठंडा कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और अनवांटेड इंटरनल स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है ना। एकदम से आपने ठंडा करा तो जितना आपके डिजायर्ड प्रॉपर्टी थी वो तो जनरेट हुई, हार्डनेस तो आई, लेकिन क्या हुआ, साथ में कुछ अनवांटेड अनडिजायर्ड सिम्टम भी आपको दिखाई देने शुरू होंगे, कुछ इंटरनल स्ट्रेस आ जाएंगे, कुछ हो सकता है क्रैक आ जाए, तो ये एक इसेंशियल ऑपरेशन है, आपका ऑपरेशन होता है, इसको किया ही किया जाता है। हमेशा हार्डनिंग जब होगी तो उसके बाद टेम्परिंग प्रोसेस किया ही किया जाता है, ताकि जो डक्टिलिटी है वो बढ़ जाए, ब्रिटलनेस आपकी कम हो, जो इंटरनल स्ट्रेस है वो हम कम कर सकें और टफनेस बढ़ा सकें। ठीक है, इसमें हम जो पीस होता है उसको सेम
हमारा वर्क होता है कि दोबारा से गर्म करते हैं, थोड़ा सा रीहीटिंग होगा और फिर थोड़ी देर उसको उसी टेम्परेचर पर रखते हुए और फिर उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। अब यहाँ पर जो गर्म करेंगे, यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म नहीं करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर कम ही हमारा रहता है, ठीक है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो टेम्परेचर के बेस पर इसको तीन पार्ट में बांटा हुआ है, लो टेम्परेचर टैंपरिंग, मीडियम टेम्परेचर टैंपरिंग, हाई टेम्परेचर टैंपरिंग। लो टेम्परेचर टैंपरिंग में आपका जो स्टील है वो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जो मीडियम टेम्परेचर टैंपरिंग है उसमें आपका लगभग 175 डिग्री सेल्सियस से 275 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, स्पेशली लैमिनेटेड स्क्रीन या कोई जहाँ पर टफनेस ज़्यादा जरूरी होती है वहाँ उन पार्ट्स की हम मीडियम टेम्परेचर टैंपरिंग करते हैं। हाई टेम्परेचर टैंपरिंग हमारा होता है जहाँ पर हम 275 डिग्री सेल्सियस से 375 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चरल स्टील जितनी होती है उन पर आपको यूज किया जाता है। इनके अलावा आपके जो मेन जो पार्ट्स आते हैं आज टेम्परिंग, पहला आपका है आज टेम्परिंग, ठीक है, टेम्परिंग का ही टाइप है। इसमें हम प्रोसेस को हीटेड करेंगे लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ ग्राफ से आपको दिखाई देगा, हमने 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा, एक सर्टेन टाइम के लिए होल्ड करा, उसके बाद साल्ट बाथ में क्विंच करा, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको डाउन करते हैं, 700 से 500 डिग्री सेल्सियस हम केवल लेकर आते हैं, उसके बाद फिर 500 डिग्री सेल्सियस पर एक लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पर आस्टेनाइट होता है, ठीक है, आस्टेनाइट से बेनाइट में कन्वर्ट होता है। जब एक सर्टेन टाइम के लिए ये आप देख रहे हो, 2 घंटे तक हमने पहले 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाने में लगाए, फिर 2 घंटे हमने इसको होल्ड करा 700 डिग्री सेल्सियस पे, फिर क्विंच कर दिया, क्विंच करने के बाद 500 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए, उसके बाद लगभग 4 घंटे हम इसको होल्ड रखेंगे, इस बीच हमारा बेनाइट माइक्रोस्ट्रक्चर जनरेट होता है, उसके बाद हम वाटर में डिप करके इसको सीधा क्या कर देंगे, क्विंच कर देंगे। इस क्विंचिंग की वजह से यहाँ पर जो मार्टेनसाइट है वो डेवलप होता है, ठीक है, वही सब चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। हार्डनेस हमारी डिक्रीज नहीं होगी, टफनेस और डक्टिलिटी बढ़ेगी और जो इंटरनल क्रैक होंगे वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकेंड आपका टाइप आता है मास टैंपरिंग। मार टेम्परिंग में आप जो प्रोसेस है ये सेम, आप इसी ग्राफ के थ्रू आप इसको देखो, पहले हमने इसको 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा, ठीक है, इसमें और उसमें अंतर यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हो। आज टेम्परिंग में हमने एक सेकंड आप देखेंगे, आज टेम्परिंग में हमने दोनों में ही क्या करा है, क्विंचिंग करी है, ठीक है, पहले हमने क्विंचिंग करी 700 से 500 डिग्री सेल्सियस लाने में और उसके बाद क्विंचिंग करी 500 डिग्री सेल्सियस से रूम टेम्परेचर तक लाने में, ठीक है, क्योंकि मार टेम्परिंग में हम पहले क्विंचिंग कर रहे हैं और बाद में एयर कूलिंग करेंगे, ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। गर्म करने में आपने यहाँ पर 700 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे, 2 घंटे के लिए ही छोड़ोगे, आस्टेनाइट आपका रहेगा, उसको आपने क्विंच करा, ठीक है, क्विंच करने के बाद आपने उसको कुछ देर होल्ड करा और उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसमें एयर कूलिंग कर दी, ठीक है, कुछ देर छोड़ने के बाद आपने एयर कूलिंग करी, उस एयर कूलिंग की वजह से यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, मार्टेनसाइट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा स्टेप क्विंचिंग भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो हमने जो क्विंचिंग करी है, यहाँ पर क्विंचिंग करा है और यहाँ पर हमने एयर कूलिंग करी है, तो इसको हम स्टेप कूलिंग क्विंचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये हमारा पूरा आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस था, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस डायग्राम में आपको अलग अलग जो हीटिंग टेम्परेचर हमारे हैं वो ही दिखाए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने जो पूरा चारों प्रोसेस पढ़े हैं, चारों प्रोसेस में यही सब चीज़ें आपको दिखाई गई, यही सब चीज़ें बताई गई,
ये आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये आपका दिखाया हुआ है ये लाइन हाई क्रिटिकल टेम्परेचर दिखाई दी। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबाउट टेम्परेचर पे जब हम वर्क करते हैं तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, एनेलिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं और हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमने कौन सा प्रोसेस करा है, स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग करा है, ठीक है, स्फेरोडाइजिंग एनेलिंग करा है, ठीक है, और फुल एनेलिंग आपका कहाँ गया था, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गया था। जो टेम्परिंग प्रोसेस है आपका वहां पर आपको पता है टेम्परेचर हमारा कितना था, लोअर दिखाया गया, लो क्रिटिकल जो लो टेम्परेचर टेम्परिंग था वो हमारा 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा है, ठीक है, जो मीडियम टेम्परेचर आपकी टेम्परिंग थी वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस नियर है वो आपने गर्म करा है, 275 में वहाँ पर बताया था, और जो हाई टेम्परेचर आपका टेम्परिंग है वो आपका 300 से 400 डिग्री सेल्सियस नियर। तो इस डायग्राम से आपको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जा रहा है वो समझाने की कोशिश की गई है, नॉर्मलाइजिंग टेम्परिंग हार्डनिंग वो सब यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। एक चीज आपको सिंपल से एक बार कंपैरेटिवली मैं चारों चीजें बता दे रहा हूँ, जो आपका सबसे पहले हमने बात करी थी एनेलिंग प्रोसेस की, ठीक है, बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको मैं हल्का सा समझा दे एक बार दोबारा। पहली चीज बेसिक आपको ये याद रखना है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपका हीटिंग और कूलिंग का, ठीक है, कुछ भी गर्म करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर तक आप गर्म करते हैं, वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी सकता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर भी सकता है। उसके बाद कुछ देर कुछ टेम्परेचर पर होल्ड करते हैं, फिर आप अलग अलग टाइप से ठंडा करते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो चारों प्रोसेस में डिफरेंस है वो कहाँ पर जाकर आ रहा है, तो किस टेम्परेचर तक गर्म कर रहे हैं और उसके बाद फिर किस टेम्परेचर पर आप इसको ठंडा कर रहे हैं और उसके लिए कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हैं। तो पहले हमने बात करी थी एनिलिंग की, एनिलिंग प्रोसेस हमारा सिंपल होता है कि आपने गर्म करा, ठीक है, गर्म करने के बाद उसको होल्ड करा कुछ देर के लिए, होल्ड करने के बाद क्या करा, फर्नेस में ही ठंडा करा, ठीक है, ये हमारा था एनिलिंग प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस आपका क्या था कि आपने गर्म करा, होल्ड करा, ठीक है, होल्ड करने के बाद फर्नेस से निकाल कर सराउंडिंग में आपने क्या करा, उसको सराउंडिंग एयर से उसको क्या करा, ठंडा करा, ठीक है। और बेंचिंग आपका हार्डनिंग जो प्रोसेस है उसमें था आपने हाई क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करा, तो उसके बाद वहीं पर होल्ड करने के बाद उसको इसी मीडियम में वाटर मीडियम सोल्यूशन या ऑयल में आपने डिप करके क्या करा, सडनली ठंडा करा, ठीक है। और टेम्परिंग प्रोसेस आपका क्या होता है, टेम्परिंग प्रोसेस आपका सेंशियल प्रोसेस है जो कि हार्डनिंग प्रोसेस करने के बाद करते ही करते हैं, ठीक है। तो और उसमें आपका सिंपल क्या हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे ही आप करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर पर आप करते हैं और गर्म करने के बाद उसको कुछ देर उसी पर रखकर और फिर क्या करते हैं, ठंडा वो आपका उन्हें